है जहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। आज मॉर्निंग में 9:30 बजे खाना मिल रहा है, तो क्योंकि दोपहर में ये लोग खाएंगे नहीं, तो यहाँ पे दोपहर तक का स्टॉक किया जा रहा है खाने में। और ये अभी 12 रोटी खा चुके हैं काका, और ये अभी इनका चावल इतना स्टॉक में है, और दाल के साथ इनको आम जरूर चाहिए जो कि हल्का गद्दर टाइप का रहता है, तो वो होने से थोड़ा 2 रोटी एक्स्ट्रा ही जाती हैं, ये काका का कहना है। कूलर लगा दिए तो और अगर बोल रहे हैं काका कूलर लगा दें तो चार रोटी ज्यादा कूलर लगा दिया तो 4 रोटी और ज्यादा जाएंगी। और यहाँ पे देखिए रोटी का स्टॉक था जो कि बल्कि अभी एक ही अवेलेबल है यहाँ पे, और ये बनाते बनाते काफी देर से बन रही है, यहाँ पे दो दो चूल्हे जल रहे हैं, फटाफट आ रहा है माल निकले, यहाँ पे पहुँचा नहीं पा रहे। एक ही मिलने पर 6 रोटी छोड़ दिया। हाँ पापड़ नहीं मिला काका को, तो 6 रोटी कम खाए हैं, नहीं तो 6 रोटी और एक्स्ट्रा खाते। 30 रोटी खाते, 30। हाँ 30 रोटी और 1.5 किलो चावल। तो अभी तक अभी कितनी रोटी और चाहिए काका? अभी चाहिए हमको 8। 8 रोटी और चाहिए। घरे में नहीं मिले खाना, पटेल ने पता चली खाने के बाद ये बता रहे कि 2 बजे फिर चाहिए 10 रोटी 10 रोटी हाँ चावल और चावल चाहिए कम से कम 1.5 गिलास 1.5 गिलास 1.5 गिलास चावल दाल चाहिए 1 पाव पानी पानी नहीं गाड़ी गाड़ी पानी पीने वालों कितने 5 लीटर मजाक नहीं कर रहा, 5 लीटर पानी पिए थे। नींबू सलाद टमाटर नींबू चाहिए, आम चाहिए कम से कम 4 चाहिए। और ये इनके नींबू है, ये आम रखा है और 5 आम खा चुके हैं। पापड़ कितने चाहिए? पापड़ कम से कम 10 तो हूँ, 10 सुबह हरी मिर्ची कम खा। नमकीन नमकीन चाहिए 100 ग्राम 200 ग्राम बच्चों का। तो ये एक ही दिन में सब खत्म? चूरा उठाए जाए घर। अरे शाम की पूछेंगे तुमने? हाँ डिनर में शाम की, तो बताओ तुमने लंच के बाद बताओ खाना। लंच के बाद बताओ, शाम को बताओ, शाम को पूरा खाना होना चाहिए कम से कम 10 रोटी फिर भी चाहिए शाम को। और चावल उतना ही, चावल भी उतना ही, दाल भी उतना ही। पैसा दे दो, वो खाना खाया ठटनी की बदनामी करवा मेरी, घर से हमको जा रहा हूँ देखो आप तो खाती कित तो खे हमको 4 से 6 खाना बना के बिठा दे खा दो तीसरी रोटी घर के दो ठेके जाने जाना पाओ फिर उसने आटो घूमे फिर पूरा खा गो खाने के बाद पकड़ कर मम्मी ने बोला।